हरियाली तीज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का कुछ इलाका जो है वो जहाँ पर तीनों स्टेट मैच करते हैं उस इलाके में खास तौर पे मनाया जाता है। वैसे लगभग पूरे भारत के अंदर अलग-अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन इस इलाके में तीज के नाम से मनाया जाता है, हरियाली तीज। और आज उसी के लिए खास चीज़ जो होती है उस टाइम, वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या है चीज़ें, लेकिन उससे पहले मार्केट का हाल देखो आप। और जो मटेरियल मैं लेके आया हूँ, वो मटेरियल जो वो उसके अंदर और भी बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन जो मैं मेन तौर पे लेके आया हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो स्पेशल चीज़ है जो पुंडरी के और कैथल के इलाके में मिलती है हरियाणा में, और बाकी जो वो लगभग बहुत सारे इलाके में बनती है, वो राजस्थान के भादरा के इलाके में, सिरसा के इलाके में आपको देखने को जो वो मिल जाएगी, और आपको संगरिया वगैरह के इलाके में वो काफ़ी पॉपुलर है। वो लड़कियों को जब वो उनके परिवार की तरफ से, जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके परिवार की तरफ से उन तक जब वो पहुंचाई जाती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आपस में दोनों तरफ ही लेते रहते हैं आजकल, पर पहले बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे। और उस त्यौहार में क्या करते हैं वो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले दिखाता हूँ वो मिठाइयाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो मिठाई है इसमें वो है ये, इसको बोलते हैं फिरनी। और ये जो फिरनी है इसके अंदर मतलब मैदे से बनी होती है। देखिए एक एक आप धागा धागा देख सकते हैं इसका, फिरनी का आप जो वो देख सकते हैं। पहली मिठाई ये है। दूसरी मिठाई मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये होता है मलाई घेवर। इस तरह का ये मलाई घेवर होता है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें पॉपुलर है वो होता है नॉर्मल घेवर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए कुछ इस तरह का ये होता है गोल घेवर। मैं अब इसको पूरा उठा नहीं सकता, बहुत ही नरम है ये। और ये जो घेवर है ये होता है वो घेवर, वो मटेरियल। वैसे तो ये सारी चीज़ें लगभग मैदे से ही बनी होती है, लेकिन ये घेवर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उस टाइम में। ये आपको गोगा मेडी में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा एक और घेवर आता है वो वाला ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ना, ये घेवर है, और नीचे जो वो मलाई घेवर था, और ये है फिरनी। इस तरह की होती है ये फिरनी, और ये होती है तीज के त्यौहार के लिए स्पेशल। बाकी इसके साथ में जो वो इसके साथ में जाते हैं पतासे, बिस्किट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपका दिल करे वो एक दूसरे को देते हैं। और बाकी जो काम करते हैं, एक मेन काम जो होता है तीज का, वो आपको दिखाता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं बच्चे मज़े से झूल रहे हैं, वैसे तो ये उन महिलाओं का त्यौहार है जिनकी शादी हो चुकी है, वो लगभग या तो अपने ससुराल में या अपने मायके में वापस आकर के मनाती है। लेकिन छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही हैं, वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चे एक दूसरे को झूला देते हैं, एंजॉय करते हैं, खड़े होकर के पींग बोलते हैं, कुछ लोग उसको पील बोलते हैं, वो उस तरीके से मचाते हैं और भी मज़े लेते हैं कि मेरी बारी है, ये मेरी बारी है, मुझे 100 झूले दो, मैं तुम्हें 100 झूले दूंगा। और मैं भी आखिर बच्चा ही हूँ अभी तक तो मैं भी थोड़ा सा झूला। और आप देख सकते हैं कितना आनंददायक माहौल होता है उस समय का। ये झूले की कलाकारी, लड़ाई झूले के लिए। वो जो मेन काम होता है वो होता है झूलने का, आप देख चुके हैं। ये हमारे इलाके का या फिर कहूँ अपने इंडिया का जो वो रिचनेस है, ये ऐसे ऐसे त्यौहार हैं और इसमें जो वो मौज मस्तियाँ होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोज़ और मिले।